एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर, अभी अभी जॉब निकली हुई है एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर के लिए। रिक्वायरमेंट जो पोस्ट की बताई गई है वो है पीजीटी टीजीटी क्लर्क हेल्पर प्राइमरी टीचर्स, इन्हीं के रिक्वायरमेंट बताए गए हैं एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर के लिए। बहुत बड़ी स्कूल है, इस पे रिक्वायरमेंट जो मांगी गई वो है पीजीटी टीजीटी टीचर्स हो गए, क्लर्क हेल्पर प्राइमरी टीचर्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट जो बताई गई है वो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 1 फरवरी 2024 को, अभी अभी हाल ही में यानी कि 1 फरवरी 2024 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट जो कि ऑफलाइन भरना है, लास्ट डेट जो कि ऑफलाइन भरना है यहाँ पे वो है 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, वहाँ तक कागज पहुँच जाना चाहिए। यानी आप अगर 5 फरवरी को भी आप यहाँ से स्पीड पोस्ट कराते हो तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट पहुँच जाएगा। बाकी क्या क्या लगना है वो जानकारी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 1 फरवरी 2024 को, अब 15 फरवरी 2024 को लास्ट डेट है ऑफलाइन फॉर्म भरना है, इसको विशेष रूप से ध्यान दें। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो होना चाहिए 8वीं पास, ग्रेजुएशन पास और पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी 8th पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ऐसे लोग ही भर सकते हैं। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है क्वालिफिकेशन में। एप्लीकेशन जो फीस लगनी है ध्यान देना, इस पे एक भी फीस नहीं लगनी है, नील है। एसटी एससी ओबीसी किसी का भी एक भी पैसा नहीं लगना है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में जान ले, जो एज लिमिट बताई गई है इनका कहना है एज लिमिट, तो एज लिमिट जो बताई गई है वो एज लिमिट रहेगी 21 साल से 50 साल के बीच में, 21 साल से 50 साल के बीच में एज लिमिट बताई गई है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। तो 21 साल कम से कम होना चाहिए, 50 साल के अंदर का व्यक्ति या फिर मेल फीमेल ये दोनों ही इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और फॉर्म भी अगर डाउनलोड करना चाहें ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। आगे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे बात कर लेता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता जो 8वीं स्नातक और स्नातकोत्तर के विषय में दिया गया है जिसे महिला और पुरुष इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको गौर से ध्यान देना ये चीजें कि किसकी कितनी सैलरी दी जाएगी, वेतनमान कितना। क्लर्क जो कि रेगुलर रहेगा वो 25 से 50 की आयु होना चाहिए, 14,500 से लेकर 19,000 के बीच उसको पैसा मिलेगा। और हर पोस्ट के लिए अपना अपना एक योग्यता बताया गया है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्लर्क के लिए जो कि 25 से 50 साल है तो 14,500 से 19,000 तक के बीच वेतनमान रखा गया है यहाँ पे योग्यता, उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए अंग्रेजी टाइपिंग। यही हेल्पर की बात कर ले वो भी रेगुलर पे रहेगी, तो 21 से 40 के बीच की आयु सीमा रखी गई है उनका और 14,500 से 22,000 तक के बीच का सैलरी मिलेगा। यहाँ पर 8वीं पास होना अनिवार्य। पीजीटी जो कि मनोविज्ञान पे होना चाहिए, 21 से 50 साल की आयु के बीच का होना चाहिए, 35,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। याद रखना यहाँ पे रेगुलर नहीं लिखा हुआ है ना, इसको विशेष कर ध्यान रखें, 35,000 मासिक दिया जाएगा और संबंधित विषय में कम से कम स्नातकोत्तर बीएड होना अनिवार्य। यहीं पे बात कर ले पीजीटी जो कि भूगोल इतिहास सामाजिक विज्ञान कॉमर्स रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान पे होना चाहिए, 21 से 50 आयु, 35,000 से 59,000 के बीच की सैलरी मिलेगी, वेतनमान रखा गया, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर बीएड होना चाहिए। पीजीटी पेंटिंग के विषय में बात करें तो 21 से 50 साल की उम्र है, 35,000 मासिक वेतन मिलेगा, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर बीएड होना चाहिए। टीजीटी जो कि कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं एआई,
21 से 50 साल के बीच की आयु सीमा होनी चाहिए और 33,000 से लेकर 56,000 के बीच का वेतनमान रखा गया है। यह भी स्नातक संबंधित विषय के साथ पीजीडीसीए होना चाहिए या फिर एमसीए कर ली या बीई कर ली या सीटीईटी होना अनिवार्य है। तो यहीं पे टीजीटी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी सामाजिक अध्ययन, इनकी सैलरी सेम और एज सेम बताएगी। एज तो सभी की सेम है लगभग 21 से 50 साल के लिए। और यहीं पे बीएड और सीटी करना अनिवार्य है, स्नातक होना अनिवार्य है। और जो प्राइमरी टीचर का है जो लास्ट में यहाँ पे बताया गया 21 से 50 आयु, 28,500 से 48,000 के बीच का वेतनमान रखा गया। ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातक व सीटीईटी और टीईटी के सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपको चाहिए सर्टिफिकेट तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको हो सकता है आपको एलिजिबिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। प्रमाण पत्र आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया जाता है हमारे माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोस्ट निकली है एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर की डाउनलोड, और मैंने सारी चीज़ें बता दी इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लीकेशन फीस और एज लिमिट 21 से 50 के बीच होनी चाहिए। बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं।